स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश में हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और उन्हें लिख भी चुके हैं। आप लोगों ने कॉपी कंप्लीट कर ली होगी, जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम हमारे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 6 की ग्रामर, जिसमें आपको क्या करना है, अलग से कॉपी नहीं बनानी है, जो आपकी इंग्लिश की कॉपी है आप उसी में से पार्टीशन करके इंग्लिश ग्रामर की कॉपी बना सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एप्लीकेशन का, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर टू डे सिक लीव। हमारी एप्लीकेशन है, हमें एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को सिक लीव की, कि हम बीमार हो जाते हैं तो हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो वो एप्लीकेशन है, सबसे पहले आप फ्रंट पेज पे क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन डालकर एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन है वो लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़कर हमारे एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करिएगा। आगे हम एप्लीकेशन लिखना शुरू करते हैं। अब हम हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लिखना, फिर एक लाइन छोड़ेंगे आप लोग, उसके बाद बिल्कुल जो लाइन रहती है ना हमारी मार्जिन लाइन, बिल्कुल उसके बराबर से लिखना है, टू उसके नीचे द प्रिंसिपल, फिर उसके नीचे सोनारी पब्लिक हायर स्कूल, फिर उसके नीचे गुना मध्य प्रदेश, एक लाइन छोड़ना है। ये लाइन का मतलब है जहाँ ये लाइन है वहां आपको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर 2 डेज सिक लीव, बीमार हो गए हैं आप इसलिए आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन 2 डेज के लिए, रिस्पेक्टेड सर मैम, ये लाइन लिखकर फिर एक लाइन छोड़नी है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आदर के साथ, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई कुड नॉट अटेंड द स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि मुझे बुखार आ गया है, मुझे बुखार आ रहा है, एज पर द डॉक्टर, डॉक्टर के हिसाब से आई नीड बेड रेस्ट, मुझे बेड रेस्ट मतलब आराम की जरूरत है, फॉर एट लीस्ट 2 डेज, कम से कम 2 दिन के लिए, आई होप यू वुड बी काइंड इनफ, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे प्रति दया दिखाएंगे, टू ग्रांट मी, ये ठीक कर लेना, टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, और मुझे 2 दिन का अवकाश, 2 दिन की छुट्टी देंगे। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है, थैंकिंग यू डालना है, यू आर सिंसियरली, आपकी आज्ञाकारी नेम, आपका जो भी नेम है वो डालेंगे, क्लास आप जो भी क्लास में है वो डालेंगे। तो हम कौन सी क्लास की एप्लीकेशन कर रहे हैं, 7th की, तो आप 7th डालेंगे और नहीं अपना इधर डालेंगे पूरा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन कंप्लीट है, आप लोग इसे नोट करिएगा इन गुड हैंडराइटिंग। ये लाइन जो मैंने लिखी है बिल्कुल एक के नीचे एक एकदम ऐसे आने चाहिए, आगे पीछे नहीं आने चाहिए, ये तरीका होता है, पैटर्न होता है एप्लीकेशन लिखने का, बिल्कुल प्रॉपरली एप्लीकेशन लिखी जाती है, कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, काटा पीटी नहीं करना, एकदम नीट एंड क्लीन से